खूबसूरत पहाड़ों का वारिस कश्मीर, जिसकी बर्फपोश चोटियां इसके माथे का झूमर है, अनगिनत सदियों से दुनिया भर के लोगों को दावते नजारा देता रहा है। इसकी खामोश नदियों में उठने वाली लहरें इसके हजारों साल के इतिहास का बड़ी खामोशी से जायजा लेती रही हैं। बादशाहों और राजाओं ने इसे हासिल करने के लिए लड़ाइयां लड़ी, लुटेरों ने इसे लूटा, जो हुक्मरान इसके आशिक थे उन्होंने इसकी सरपरस्ती की, कुछ शहंशाहों और सम्राटों ने इसे सजाया संवारा और आवाम ने इसे टूट कर चाहा, इसे अपनी आरजुओं का मरकज बनाया। लेकिन कश्मीर को सही मायनों में कुदरत का सबसे चहेता बच्चा कहा जा सकता है। कश्मीर के हिस्से में जो नेमतें आई हैं उनमें से एक है दरियाए झेलम, जिसे पुराने जमाने में वितिस्ता के नाम से जाना जाता था और जो आज भी वादी के लोगों की हमदम और हमदर्द है। मेरे सीने पर बहने वाला ये दरिया अनगिनत सदियों से मेरे इतिहास का साक्षी रहा है। ये मेरी संतानों के अच्छे और बुरे दिनों का साथी और हमदर्द है। वक्त के कई कारवां इधर से गुजरे, इतिहास ने परिवर्तन की कई अंगड़ाइयाँ ली। इस दरिया ने समय के सभी राजों को अपने सीने में संभाल के रखा है, क्योंकि ये खुद भी इतिहास की तरह निरंतर बहता है। बानिहाल दर्रे के करीब वेरीनाग नाम का एक छोटा सा गांव है। इसे यह नाम एक छोटे से चश्मे से मिला जो इसी जगह बहता है और इसी नाम से जाना जाता है। कश्मीर में बहुत सी कहानियां भी जन्म लेती रही हैं। कुछ रिवायतें और मजहबी अकीदे भी हैं दूसरे बहुत से समाज की तरह। वेरीनाग गांव के पुराने ज़माने की बहुत सी कहानियाँ और कल्पनाएँ भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि देवी वितिस्ता ने इसी जगह से जाहिर होना चाहा था, लेकिन जब वो आईं तो वहाँ शिव पहले से ही मौजूद थे, लिहाजा उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। कोई एक मील की दूरी पर वापस जाकर एक दूसरे चश्मे से जाहिर हुई। ये चश्मा दरअसल एक ऐसा तालाब था जिसकी कोई बाकायदा शक्ल नहीं थी और ना ही लोग इसे तालाब समझते थे। दूसरी जगहों का पानी बहकर या रिसकर आता था और इसमें जमा होता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि शहंशाह जहांगीर इधर से आ निकला। जहांगीर फन के कदरदान की हैसियत से मशहूर था। वो कुदरत के अता किए हुए हुस्न को हसीनतर बनाने की कोशिश करता था। उसने हुक्म दिया कि इसे बाकायदा 8 कोनों की शक्ल का तालाब बनाया जाए और इसे चारों तरफ से तराशे गए पत्थरों से घेर दिया जाए। ये तालाब 1629 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी कुदरती हुस्न का कुछ कम परस्तार न था। चुनांचे 7 साल बाद उसने वहां एक आबी गुजरगाह यानी जल मार्ग बनाया और एक खूबसूरत बाग भी लगवाया। वेरीनाग के करीब एक छोटे से चश्मे से निकलकर झेलम आगे बढ़ती है और एक बड़ी नदी का रूप धार लेती है। यह पश्चिमी कश्मीर के बेशतर हिस्सों से होकर गुजरती है। यह एक ऐसा सफर तय करती है जिसमें कुदरत के हुस्न के प्रति बेपनाह लगाव का जज्बा छिपा रहता है।
ये जिन रास्तों से होकर गुजरती है वहां तहजीबें जन्म लेती रही और ये तहजीबें खूब फूली फली। इस नदी ने ऐसा लगता है कि बड़े बड़े संकट के दिनों का जायजा लिया है और उसकी चश्मदीद गवाह है। इसने बीते दिनों की तमाम यादों को अपने सीने में छिपा रखा है। बाज बहुत बड़े बड़े शहर इस अजीम नदी के किनारों पर आबाद किए गए। इनमें ललितादित्य का परिहासपुर, अशोक का श्रीनगर, अवंती वर्मन का अवंतीपुरा और विजेश्वर शामिल हैं। विजेश्वर को अब बीज बिहाड़ा के नाम से याद किया जाता है। इस नदी के बहने का अंदाज भी बड़ा दिलनवाज है। ऐसा लगता है कि यह अटखेलियां करती, नाचती और गाती हुई आगे बढ़ रही है। किसान इससे आस लगाए रहते हैं और ये उन्हें मायूस नहीं करती। ये धान के खेतों को सैराब करती है। धान की फसल जब लहलहाती है तो लोगों के चेहरों पर मुस्कान खेलने लगती है। उनके दिलों में नए वलवले पैदा होते हैं जो इस नदी को बहुत चाहते हैं। क्यों ना चाहें, ये तो उनकी अन्नदाता है। उनके सपनों को हकीकत में तब्दील करती है। झेलम महज एक नदी ही नहीं बल्कि ये कश्मीर के लोगों की दोस्त और गमखार है। ये कश्मीरी तहजीब की अलामत और निगहबान भी है। झेलम मेरा इतिहास ही नहीं, मेरा श्रृंगार भी है। ये मेरी संतानों की प्यास ही नहीं बुझाता, उनको रोजी का सामान भी मुहैया करता है। कश्मीरियों के कारवां दर कारवां हजारों साल से इसके किनारों पर अपनी रूह को तस्कीन देते रहे हैं। एक ऐसी वादी जिसमें कदम कदम पर झीलें, छोटी बड़ी नदियां, चश्मे और आबशार नजर आते हैं, वहां कुदरती तौर पर इंसान और पानी का रिश्ता बड़ा अटूट हो जाता है। उनके तर्ज जिंदगी में पानी का बड़ा अमल दखल होता है। कश्मीर की जिंदगी कुछ इसी तर्ज की है। जब से सम्राट अशोक ने झेलम के दाएं किनारे पर श्रीनगर शहर आबाद किया, तभी से लोगों ने पानी पर रहना सीख लिया। झेलम, जिसके सीने में एक ममता भरा दिल है, वो अपने बेटे बेटियों को सदा कुछ देती रहती है। इसके पूरे रास्ते में किनारों पर रिहायशी कश्तियां तैरती हैं। इन रिहायशी कश्तियों को डूंगों के नाम से जाना जाता है। एक डूंगे में पूरा एक खानदान रहता है। इसकी हैसियत हर लिहाज से एक पूरे मकान जैसी होती है। इसमें जरूरत की वो तमाम चीजें होती हैं जो एक आम घर में पाई जाती हैं। किचन, बेडरूम, गर्ज के सभी चीजें मौजूद होती हैं। परिवारों का कश्तियों पर इस तरह ठूस कर रहना सैलानियों और अजनबी लोगों को बड़ा अनोखा और हैरतअंगेज लगता है। इन कश्तियों में कुछ लोग तो अपने पालतू जानवर भी रखते हैं। ये तैरता हुआ घर दूसरों को जितना भी अनोखा या हैरत अंगेज लगे, लेकिन यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इस तरह के डूंगों में जो परिवार रहते हैं वो एक और छोटी सी कश्ती भी रखते हैं जो डूंगे से बांधी जाती है। ये कश्ती मकामी ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इससे एक जगह से दूसरी जगह आया जाया जाता है। बच्चे पानी में जिंदगी गुजारने के इस तरीके से शुरू से ही वाकिफ होते हैं, क्योंकि वो आंख ही इसी माहौल में खोलते हैं।
आगे चलकर वो भी इसी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, इसलिए इसमें हैरत की कोई बात नहीं। और इसी तरह के डोंगों में रहने वाले कश्मीरी आमतौर से बहुत अच्छे और माही बोटमैन भी बन जाते हैं। इस तरह के डोंगों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बड़ी दिलचस्प होती है। जिस तरह जमीनी घरों में रहने वाले लोग अपने ढंग से जिंदगी गुजारते हैं और उनकी जिंदगी का अपना निज़ाम होता है, उसी तरह हाउस बोट में रहने वालों का भी अपना निज़ाम होता है। जहां डूंगे होते हैं उन इलाकों में एक छोटी सी कश्ती बहेट अक्सर घूमती तैरती नजर आती है। ये डूंगों में रहने वाले लोगों को राशन और जरूरत की दूसरी चीजें सप्लाई करती है। वो सामान लेकर एक डूंगे से दूसरे डूंगे तक जाती है और इसमें बैठा हुआ दुकानदार जरूरत की चीजें बेचता है। पानी पर इनका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत दिलचस्प और गजब का है। ऐसा लगता है कि पानी में जिंदगी गुजारने के इस निजाम को इन्होंने पूरे तौर पर अपना लिया है, जो इन्हें बहुत ज्यादा रास आता है। यहां तक कि रोजमर्रा की खरीदारी यानी सब्जी वगैरह खरीदने के लिए भी इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पेश आती। ये चीजें भी पानी के ही रास्ते इन्हें मिल जाया करती हैं। इनकी पानी पर अपनी ही दुनिया है। ये और दूसरी बहुत सी खास बातें कश्मीर को एक अनोखा मकाम अता करती हैं। इसे पूरब का वेनिस बजा तौर पर कहा गया है। इस तरह के तर्ज जिंदगी की अपनी कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जिनका मुकाबला करने का हुनर भी ये लोग खूब जानते हैं। संकट की घड़ी में कश्मीरियों ने हमेशा रचनात्मक अंदाज से हालात का मुकाबला किया है। उनके तख्लीकी जहन की एक बहुत ही शानदार और अहम पैदावार यह है कि वो पानी पर रहकर पानी में खेतीबाड़ी करने का तरीका अपना चुके हैं। झीलों के पानी में रहने वाले इन कश्मीरियों की खेतीबाड़ी का तरीका बड़ा अनोखा है। तैरती हुई घास पर वो मिट्टी लाद देते हैं। उन्होंने ऐसा सिस्टम अपनाया है जिसके तहत तैरते हुए खेत वजूद में आ जाए। इन खेतों में मिट्टी की परत बिल्कुल ऊपर होती है। ये मिट्टी खेतीबाड़ी के लिए बहुत मुनासिब होती है। इस तरह के तैरते हुए खेतों में वो पौधे रोपते हैं। दरअसल वो अपने खेतों को खींचकर जहां चाहें ले जा सकते हैं। ये चलते फिरते खेत भी अपनी मिसाल आप हैं। ये न समझिए कि ऐसे खेतों की फसल कमतर होती है। इन खेतों में हर तरह की फसल उगाई जा सकती है। पानी पर रहने वाले इन लोगों की आम जिंदगी का ये हिस्सा बन चुका है। ये लोग उसी तरह मामूल के मुताबिक चलते फिरते खेतों में काम करते हैं जिस तरह जमीन पर खेती करने वाले आम किसान। ये इन खेतों में धान, सब्जियां और दालें उगाते हैं। खेती का तरीका भी आम खेती जैसा ही है, अलबत्ता इन खेतों में आमतौर से आबपाशी मुश्किल नहीं। श्रीनगर के आसपास शायद सबसे अचंभे की बात यही नजर आती है कि पानी में जिंदगी बसर करने का जो ये तरीका इजाद किया गया है, उसकी जड़ें इतनी गहराई तक फैल चुकी हैं कि लोगों की तमाम तर सरगर्मियां
अब पानी तक ही सीमित होकर रह गई हैं। अब यही देखिए कि पानी पर अच्छी खासी सब्जी मंडी कायम हो चुकी है। हमारे मुल्क के हर इलाके में सब्जी मंडी का शोर शराबा मशहूर है और वो अपने आप में खुद एक अनोखी चीज होती है। लेकिन पानी पर इस तरह की तैरती सब्जी मंडी की कल्पना तो कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है। पौ फटने से बहुत पहले ही किसान अपने सामान लेकर आ जाते हैं और इससे पहले कि सूरज की पहली किरण झील के पानी में चमक पैदा करे, खरीदारी का सारा सिलसिला खत्म हो जाता है। इसमें शोर शराबा, भीड़ भाड़, खरीदारी से मुतालिक बहस मुबाहिसे, हुज्जत तकरार, सब कुछ शामिल होता है। शायद पूरी दुनिया में अपने तर्ज की ये एक अनोखी मंडी है। कश्मीर के लोगों के जागने से पहले ही तमाम चीजों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला खत्म हो जाता है। सामान बेचने वाले हंसी खुशी अपने पैसे गिनते हुए वापस जाते हैं और खरीदार दूसरी मंडी का रुख करते हैं। चंद मिनटों में ही बाजार के शोर शराबे की जगह खामोशी ले लेती है। इंसानी जिंदगी पर बदलते हुए मौसम भी अपना असर डालते हैं। गर्मी, जाड़ा, बरसात, मौसम बहार, इन सब का असर सामाजिक जिंदगी पर यकीनी तौर पर पड़ता है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि मुख्तलिफ इलाकों के मौसम भी मुख्तलिफ होते हैं। जोग्राफियाई तौर पर कश्मीर ऐसी जगह वाकई है कि इसका मौसम बहुत खुशगवार होता है। यही वजह तो है कि मई जून की झुलसा देने वाली धूप और जानलेवा गर्मी से बचने के लिए बहुत से लोग वादी के दामन में पनाह लेने के लिए लंबा सफर अख्तियार करते हैं। कश्मीर का मौसम बहार जहां वादी को रंगारंग बना देता है, वहीं जाड़ों का मौसम पूरी शिद्दत के साथ जब आता है तो लोगों के लिए कुछ मसले भी पैदा हो जाते हैं। जब वादी में बर्फबारी होती है तो गोया पूरा इलाका बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। दर्जा हरारत 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और डल और नगीन समेत जिन झीलों को झेलम पानी मुहैया करती है वो सब के सब जम जाती हैं। पानी के बर्फ में तब्दील हो जाने के बाद बोट में रहने वालों को कई तरह के मसलों का सामना करना पड़ता है। ये दिन उनके लिए वाकई बड़े दुखदाई होते हैं। उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना दूभर हो जाता है। उन्हें बर्फ को काट कर आगे बढ़ना पड़ता है। मौसम जब इतना शदीद हो जाता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाए तो उनका काम कुछ इतना आसान नहीं होता। लेकिन कश्मीर के मेहनतकश लोग हर हाल में जीने का हुनर जानते हैं। उनके हौसले उनकी हौसला अफजाई करते हैं। वो ये भी जानते हैं कि जाड़ों के परेशान करने वाले हालात के बाद मौसम बहार अपनी पूरी आबोताब के साथ आएगा। वो बड़े सब्र और सुकून के साथ उस मौसम का इंतजार करते हैं जो सूरज की सुनहरी किरणों के साथ आता है और हालात को बदल देता है। वादी में हाउस बोट का वजूद सदियों से दिलचस्पी और हैरत का कारण बना रहा है।
14वीं सदी में महान तारीखदान कल्हन ने अपनी अमर रचना राज तरंगनी में बोटमैन का जिक्र किया है। इसके अलावा आईने अकबरी में अबुल फजल ने भी ये तफसील पेश की है कि उस जमाने में बोट जिंदगी की अहम सरगर्मियों का मरकज थे और वादी की तिजारत का दारोमदार भी इन्हीं कश्तियों पर था। कश्मीर की बोट का नमूना भी उस जमाने में सबको हैरत में डाल देता था। अबुल फजल और कल्हन की पेश की गई तफसीलात से बेहतर रिकॉर्ड उस जमाने का और क्या हो सकता है। कश्मीर को एक रिवायत के तौर पर बोट बनाने का विरसा मिला है। वो इस हुनर में भी सबसे बड़े माहिर होते हैं। उनका इस मामले में भी अपना एक अंदाज है। वो रोज़मर्रा इस्तेमाल के शिकारे से लेकर बड़े बड़े हाउस बोट बनाने में अपना जवाब नहीं रखते। छोटे छोटे शिकारे आम ट्रांसपोर्ट का काम अंजाम देते हैं। इतिहास छोटे बड़े और अनोखे तजुर्बात का भंडार भी होता है। हाउस बोट और डूंगों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें मशहूर हैं। कहा जाता है कि यूरोप के लोग बड़ी तादाद में जब छुट्टियां गुजारने कश्मीर आने लगे तो उनके रहने और ठहरने का मसला पैदा हो गया। कश्मीर के महाराजा की सरकार ने यूरोप के लोगों को इस बात की इजाजत नहीं दी कि वो कश्मीर में अपना जाती मकान बनवा सकें। इसीलिए ये सिलसिला शुरू हुआ कि डूंगे किराए पर दिए जाएं। किराए पर हाउस बोट हासिल करने का सिलसिला आज भी जारी है। इस वक्त श्रीनगर की झीलों में हाउस बोटों की तादाद 2000 से भी ज्यादा है। इन बोटों के नाम भी होते हैं और ये सैलानियों को आकर्षित करते हैं। आप चाहें तो रोजाना किराए की बुनियाद पर भी इसमें रह सकते हैं। बाहर से आए सैलानियों के लिए पानी में रहने से ज्यादा अच्छा और दिलचस्प तजुर्बा और क्या हो सकता है। पहाड़ों से घिरी हुई डल झील सैलानियों को ये मौका इनायत करती है कि वो पानी में जिंदगी गुजारने के ढंग और आदाब को करीब से देख सकें। क्योंकि श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे आबाद किया गया था, इसलिए बेशतर हुक्मरानों ने वादी के इस अहम शहर को बढ़ाया और फैलाया। यहाँ जो तरक्याती काम शुरू हुए उनमें पुलों की तामीर के काम को बड़ी अहमियत हासिल है। ये काम किसी एक जमाने में नहीं हुआ, बल्कि मुख्तलिफ हुक्मरानों या उनके वजीरों ने अपने अपने वक्त में अंजाम दिए। जीरो ब्रिज सबसे मशहूर और शायद सबसे पुराना पुल है। एक जमाने में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती थी और रास्ता चलना दुश्वार हो जाता था, लेकिन अब दूसरे कई पुल बन जाने से इसका बोझ काफी कम हो गया है। हब्बा कदल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कश्मीर की मशहूर शायरा हब्बा खातून के नाम पर कायम किया गया है। जैना कदल, कश्मीर में तामीर होने वाला ये लकड़ी का पहला पुल है। ये लकड़ी के फन्ने तामीर का एक अच्छा नमूना माना जाता है। इसे यहां के मशहूर बादशाह जैनुल आबिदीन ने तामीर कराया था। अमीरा कदल, अमीर खान जमाशेर ने बनवाया था। वो अफगान दौर के कश्मीर का गवर्नर था। कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि श्रीनगर में बनने वाला यही पुल पहला था। यह एक ऐसी जगह बना है जहां बाजार है और इसकी वजह से बड़ी भीड़ भाड़ होती है।
ये तो चंद मशहूर पुलों के नाम हैं, लेकिन वादी में और भी कई पुल हैं, मसलन फतेह कदल, गांव कदल और कुछ दूसरे। वादी की जुग्राफियाई हालत के पेश नज़र पुलों की अहमियत यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। इनसे तजारती सरगर्मियों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ी सहूलतें हासिल होती हैं। ढलते सूरज के सिंदूरी अक्स में डल झील किसी नई दुल्हन की सी खूबसूरत दिखाई देती है। इसके आगोश में पनाह लिए इन हाउस बोटों की रोशनियां इसके मांग में सिंदूर भरती हैं, और ये पानी पर जिंदगी गुजारने के कश्मीरी हुनर को एक नया रंग, एक नया अंदाज अता करती है।